नहीं आई। ऑफिस के काम से बाहर गया था, आते ही तुम्हारा खत मिला। अरे तुम इतने परेशान क्यों? क्यों क्या बात है बिल्ला? पिताजी ने मेरी शादी इसी हफ्ते तय कर दी है। अब हमारी मिलन का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या? तुम मुझे भगा ले चलो। घर से भाग जाना ही तुम्हारी मुश्किलों का हल नहीं। मगर इस मुश्किल का है रतन, चलो हम आज ही घर से भाग चले। मुझे जरा सोचने का वक्त तो मिला। देखो मैं एक गरीब आदमी हूं जिसके सर पर एक नौजवान बहन की जिम्मेदारी है, और फिर कोई भी कदम उठाने से पहले मैं एक बार फिर तुम्हारे पिताजी से मिल लेना चाहता हूं। ताकि कोई फायदा नहीं रतन, एक बार पहले भी तुम उनसे मिल चुकी हो, अब की बार भी वही जवाब होगा। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? वाकई तुम बहुत भोली हो गई हो। जानती हो घर से भाग जाने के बाद हमें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और फिर तुम एक लखपति की बेटी हो, सारी जिंदगी ऐश व आराम में गुजारी है तुमने। मैं ठहरा एक मामूली क्लर्क, शायद मैं तुम्हारी जरूरियात भी पूरी ना कर सकूं, शायद तुम मेरे साथ रहकर खुश रह सको, शायद आने वाला कल तुम्हें यह एहसास दिला दे कि तुमने मेरे साथ आके गलती की है। नहीं नहीं रतन, ऐसा ना कहो, भगवान के लिए ऐसा ना कहो। मैं तुम्हारे साथ कहीं खुश रह सकती हूँ, तुम मुझे जहां भी जैसे भी जिस हाल में रखोगे मैं खुश रहूंगी, बहुत खुश रहूंगी। रतन तुम सिर्फ मेरे से ले चलो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। रतन चलो रतन। क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। ठीक है, अगर तुम मुझे न देखे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। कृष्णदास की बेटी को रुपए के लालच में भगा ले गया। मैंने तुमसे कह दिया ना बिमला, तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जाओगी। जैसा तुम कहो। तो फिर कल तैयार रहना, हम यहां से इसी वक्त भाग जाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बिमला। कब तक लौट आओगे रतन बाबू? पता नहीं जी, मतलब ये है कि बहुत जल्द लौट आऊंगा, और अगर ज्यादा दिन लग गए तो मैं तुम सबको वहां बुला लूंगा। क्या दफ्तर के काम से बाहर जा रहे हो? नहीं, घर के काम से जा रहा हूं। भैया एक बात पूछो। हाँ हाँ। तुम जा कहाँ रहे हो? देख तुझे मैं कई बार, वो बबली तो समझती क्यों नहीं, तू समझेगी नहीं। मैं तुझे समझा देता हूँ बबली, भैया तेरे लिए दूल्हा ढूंढने जा रहे हैं। तुम तो हमेशा यही बोलते हो, मेरे भैया तुम मेरे लिए भाभी ढूंढने जा रहे। क्यों भैया? अब आप जरा बकवास बंद कीजिए। ये बकवास है? ये सरासर बकवास है। अब आप जरा लेट जाइए। अच्छा बाबा लेटती हूँ, मगर ये बताओ तुम आगे सकते हो? मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। देख ये जो दवाई है ना, इसे रोज दो मरतबा पीना, याद रहेगा। हाँ? अगर कहीं मैंने सुना कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। मैं मानूंगी भैया। सच? हाँ।
मेरी अच्छी अच्छी गुड़िया गुड़िया बहन। अच्छा चलो चलो उम्मीद है बिमला, कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी बहुत जल्द मुझे मिल जाएगी।
हाँ जरूर मिल जाएगी। चाय पियो। पहले तुम गड़ी हुई अंगूठी चोरी का तो नहीं? जी ये मेरे स्वर्गीय पिता की आखिरी निशानी। तो दोनों चीजों का खर्च हम 40 रुपया देगा मंजूर जी। क्यों लूटते हो जरूरतमंद लोगों को खान साहब? दोनों के सिर्फ 40 रुपए खोजे मुनीम जी। तुम हमारा दोस्त है, हमारे धंधे में गड़बड़ नहीं मांगता। मगर खान साहब अच्छा बाबा अच्छा देखो हमारे दोस्त के बोलने से हम 10 रुपया ज्यादा करके आपको 50 रुपया देगा मंजूर। 50 रुपया मांगता तो लियो नहीं तो जाओ। लाइए लाइए। मैं तुम्हें रतन से शादी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। इस वक्त रतन से जुदा होके तुम एक दिन दो दिन या महीना भर रोके चुप हो जाओगी, लेकिन उसके साथ रहकर तुम्हें जिंदगी भर रोना पड़ेगा, क्योंकि एक अमीर बाप की बेटी एक गरीब खानों की बीवी बनकर कभी खुश नहीं रह सकती। जो खुशियां आराम और आसाइश तुम्हें इस घर ने दिए हैं वो उसकी मुफलिस मोहब्बत तुमसे छीन लेगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने बाप की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। विमला, तुम अपने आप को एक ऐसे अंधेरे घर में गिरा रही हो जहां से तुम्हारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम
तुम अपने आप को एक ऐसे अंधेरे घर में गिरा रही हो जहाँ से तुम्हारा निकलना बहुत मुश्किल हो पिताजी, मैं यहाँ बंबई में हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से आकर ले जाइए। जहाँ तक तुम्हारी काबिलियत और तजुर्बे का सवाल है, मैं बिल्कुल मुतमईन। थैंक यू सर। नौकरी तो मैं मिल सकती जी, एक शर्त पर। तो क्या? जमानत दे सकते? जमानत जी, मैं तो बंबई में किसी को नहीं जानता। देन आई एम सॉरी, क्योंकि ये अकाउंट का मामला और ये काम मैं किसी अजनबी को नहीं दे सकता। अच्छा दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। खैर भाई, इसकी जमानत मैं देता हूं सेठ जी। तो क्या तुम इसे जानते हो? अच्छी तरह से। ये बहुत शरीफ आदमी और जरूरत मंत्री। अच्छा जी हाँ, तो ठीक है, कल से तुम कल से काम पर आ जाओ। मनीन जी। जी सरकार। इन्हें एडवांस भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम रतन है? जी हाँ। बिमला देवी को जबरदस्ती भगाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। भगाने की जुर्म? मगर मैं बिमला को भगा कर नहीं लाया, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। बिमला बिमला मुझसे प्यार करती है इंस्पेक्टर साहब, यकीन न हो तो उसे पूछ लीजिए। चुप क्यों? बिमला तुम बोलती क्यों नहीं? बिमला तुम इन्हें बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो? इन्हें बता दो बिमला कि हमारी शादी होने वाली है। बिमला बिमला चलिए मिस्टर रतन। एपी सचिव बिमला देवी की 17 फरवरी की रात को मुलजिम रतन कुमार आपको धोखा देकर बॉम्बे ले गया और उसके मजबूर करने पर आप अपने तमाम जेवरात और कैश भी साथ ले गई। जी। और क्या ये भी ठीक है कि बॉम्बे पहुंचकर मुलजिम रतन कुमार ने वो कैश और जेवरात बैंक में रखने के बहाने आपसे ले लिए? जी हाँ। और क्या ये भी ठीक है कि जब आपके पिताजी ने बॉम्बे में मुलजिम रतन कुमार से वो कैश और जेवरात वापस मांगे तो उसने साफ इनकार किया? जी हाँ। क्या आप मुलजिम रतन कुमार से प्यार करती हैं? जी नहीं। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। मिलॉर्ड, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि समाज के इस दुश्मन मुलजिम रतन कुमार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिस्टर रतन कुमार, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहते हो? मैं
बिमला देवी को जबरदस्ती भगाने के जुर्म में मुलजिम रतन कुमार को 2 साल कैद बमशक्कत की सजा दी जाती है। वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आइए आइए तशरीफ लाइए ना। नाचीज बंदा इस खूबसूरत जेल के निवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता है। यार मालूम होता है आप पहली मर्तबा आए हो यहां। खैर कोई बात नहीं है, ये लो। कहां गया भाई ये? सिगरेट पियो। मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम सिगरेट नहीं पीते। मेरे दोस्त ये बताओ कि कितने दिन आए हो यहां? 2 साल। 2 साल ढाका डाला है क्या? नहीं। तो खून किया होगा? जी नहीं। ओहो यार, इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात है, मैं तो दोस्ती के नाते पूछ रहा था। लड़की भगाई थी। लड़की? कुछ गड़बड़ है, जरा नजदीक से देखना पड़ेगा। नो चांस, तुमने लड़की नहीं भगाई। मेरा ख्याल है कि लड़की ने तुमको भगाया होगा, बोलो सच है। मुझे मालूम था। तुम्हारा नाम क्या है? रतन। वेरी गुड, मेरा नाम है हीरा शेख है। तुमने भी क्या? ना बाबा ना, अपनी तो शक्ल देखते ही लड़की भागती है। बच गया, फिर किस जुर्म के सिलसिले में? जुर्म कुछ नहीं, बात यह कि अपना बिजनेस ऐसा है कि अक्सर यहाँ आना पड़ता है। अक्सर यहाँ आना पड़ता है? हाँ, अक्सर मतलब मेरा यह है कि बिजनेस ऐसा है कि जिसमें 100% मुनाफा है, और भाई लोग चाहते नहीं कि 100% ये मार जाए, इसलिए कभी कभी लाके यहाँ बिठा देते हैं, फिर भी नहीं समझे। यार एक बात मेरे दिमाग में आई। वेरी गुड, क्या दिमाग पाया है मैंने। तुम मेरे पार्टनर बनोगे? पार्टनर? हाँ पार्टनर। नहीं, जिंदगी में एक बार पार्टनर बनने की कोशिश की थी और यह हालत होगी। पंछी नया है, टाइम लगेगा। नेवर माइंड। शंभू काका, बबली नहीं आई, क्या वो बहुत नाराज है मुझसे? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ शंभू, तुम रोते क्यों हो? क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं? बबली अच्छी तो है ना? बबली हमें छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। तुम्हारी बहन बीमार थी क्या? हाँ बीमार थी, मगर उसकी जान बीमारी ने ली, उस जलील लड़की की बेवफाई ने ली, जिसकी वजह से आज मैं इन सलाखों के पीछे हूं। उसकी जान उस दुख और शर्म ने ली,
जो एक बहन अपने भाई की बदनामी पर महसूस करती है, उसकी जान को संदेह दे दी जो उसकी जिंदगी पर छा गया था। और जानते हो इसके जिम्मेदार कौन है? बिमला, जिसने आंखों में आंसू भर के बड़ी भोली सूरत बनाकर कोर्ट में कह दिया था कि मैं उसे भगा कर ले गया, मैं उसे भगा कर और अब मैं उसे बदला लूंगा और उसे ये बता दूंगा जो प्यार कर सकता है तबाह भी कर सकता है, जो लूट सकता है लूट भी सकता है। लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे मन को शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। ए नंबर आठ, अबे यार कभी तो नाम से बुलाया कर। नंबर आठ क्या है? चलो तुम्हें छुट्टी हो गई, तारीख भूल गया भैया, अभी 15 दिन बाकी। 15 दिन तुम्हें माफ किए गए हैं? हाँ, यानी आप चाहें तो मुझे 5 महीने यहाँ रख सकते हैं और मैं चाहूँ तो पूरी सजा भी नहीं कर सकता। अबे साहब से कह दे कि सेठ 15 दिन के बाद जाएगा। अबे चलता है कि नहीं? अबे जरा घर भाई, जरा घर तबियत नहीं मेरा, मैं जरा अपने दोस्त से मिलूं, एक मिनट। हाँ दोस्त, फिर मिलेंगे। हाँ, अब शायद तुम्हें इनकी जरूरत महसूस हो। सरकार, हम तो यारों के यार हैं भाई, अपने पार्टनर को लेने चले आए। तू चल मेरे साथ। एकदम चल। कहाँ? देख देख रतन, तू जिस दरवाजे से अभी बाहर आया है ना, ये सबको एक ही मंजिल की तरफ ले जाता है, समझा? लेकिन फिर वापस भी तो यही लाता है ना, और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा यहां हूं। देख रतन देख, जो एक बार इस दरवाजे से बाहर निकला, दुनिया वालों ने जिंदगी के सब दरवाजे उस पर बंद कर दिए, उससे नफरत की है, उसको ठुकराया है, और फिर गरीब थका हारा यही वापस आया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपना खोया हुआ विश्वास दोबारा हासिल कर सकूं। हीरा, मैं एक शरीफ आदमी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। ना? शरीफ आदमी? खैर तेरी मर्जी है, मगर एक बात याद रहे, अगर नाकाम हो जाओ तो घबराना नहीं, इसलिए कि दोस्ती और पार्टनरशिप का यह हाथ हमेशा अपनी तरफ बढ़ा हुआ पाओगे। बेटा, मेरी बूढ़ी आंखें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी शम्भु, और ये 1.5 साल से यूं गुजरा जैसे सदियां गुजर गई। शम्भु, तू खड़े हो? आ बेटा, आ बेटा, बैठ जा बैठ जा, तुम थक गए होगे। मैं भी कितना मूर्ख हूं कि आते ही अपना रोना शुरू कर दी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूं। हाँ बेटा बैठो। मेरे भैया, तुम मेरे लिए भाभी ढूंढने जा रहे? क्यों भैया?
शंभू, बिमला तो खुश है ना? खुश? वो खुश क्यों ना होगी? एक अमीर आदमी से शादी जो कर ली है उसने। वो कहाँ रहती है आजकल? बंबई। लेकिन तुम अब उसके लिए क्यों पूछते हो? नहीं नहीं, जो ही पूछ रहा था, जो ही ना। लो, चाय ठंडी हो रही। आइए आइए सेठ जी, मेरा रतन वापस आ गया। हम इसी हफ्ते आपका किराया चुका देंगे। मैं किराया लेने नहीं आया, तुम्हें नोटिस देने आया हूँ। जितनी जल्दी हो सके मकान खाली कर दो। क्यों? गली मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। मैं समझा नहीं। आस पड़ोस में लोगों की जान बहु बेटियाँ रहती हैं, तुम्हारा रतन क्या भरोसा उसका? कल को मोहल्ले की किसी लड़की को ले भागे तो? बकवास बंद करो सेठ जी, निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हारा मकान खाली नहीं करेंगे, निकल जाओ यहाँ। शंभू, आप फिक्र न कीजिए सेठ जी, मैं आपका मकान बहुत जल्द खाली कर दूंगा। रतन, तुम ये क्या कह रहे हो? ठीक है, गली मोहल्ले की इज्जत का सवाल है ना। नमस्ते अंदर सर। क्यों रतन, कैसे आना हुआ? मैनेजर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना पुराना काम फिर शुरू करूं। क्यों मैनेजर साहब, आप मुझे काम नहीं दे सकते? मुझे अफसोस है रतन, अपने ऑफिस के कायदे कानून के मुताबिक हम किसी भी ऐसे आदमी को ऑफिस में नहीं रख सकते जो सजा याफ्ता। मगर मैनेजर साहब, जो गलती मैंने की थी उसकी सजा तो मैं काट चुका हूं, अब काम न देने की सजा जो मुझे मिल रही है वो किस जुर्म की है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता रतन, आई एम हेल्पलेस। आप मजबूर हैं। इंसानों का इस दुनिया में काम नहीं, कोई न पूछे उनको भैया जिनके पल्ले दान नहीं। भोले भाले इंसानों का इस दुनिया में काम नहीं, कोई न पूछे उनको भैया जिनके पल्ले दान नहीं। किसी के आगे झुकना, क्यों कदम बढ़ा के रुकना? मर्द वही जो कभी न टेके किसी के आगे झुकना। क्यों किसी के आगे झुकना, क्यों कदम बढ़ा के रुकना? मर्द वही जो कभी न टेके किसी के आगे झुकना। अपने ही बाजुओं पे रखना बसा प्यार, जिसने हिम्मत हारी उसको मिला कभी आराम नहीं। भोले भाले इंसानों का इस दुनिया में काम नहीं, कोई न पूछे उनको भैया जिनके पल्ले दान नहीं।
काले मुखड़े ये चांद के नाजुक टुकड़े प्यार जता के कसमे खा के देते सौ सौ दुखड़े ये भोले भाले मुखड़े ये चांद के नाजुक टुकड़े प्यार जता के कसमे खा के देते सौ सौ दुखड़े दिल ना लगाना इनसे दामन बचाना इनसे इनके चक्कर में फंसने का है अच्छा अंजाम नहीं भोले भाले इंसानों का इस दुनिया में काम नहीं कोई न पूछे उनको भैया जिनके पल्ले दाम नहीं भोले भाले इंसानों का इस दुनिया में काम नहीं कोई न पूछे उनको भैया जिनके पल्ले दाम नहीं रतन रतन किधर आ जल्दी से क्या देख 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 सामने कौन उतर रहा है तुझे तो कई बार कहा मुझे और औरत से सख्त होते ठहर जा बाबा मैं औरत जात की बात कहां कर रहा हूं मैं तो उस औरत जात के हाथ में जो बटुआ है बटुआ समझा ना तू साहब के कुत्ते का ध्यान रख मैं मेम पर का ध्यान करता हूँ आप मत घबराइए मैडम गिरा रुमाल इससे अपने आंसू पोछिए मैं मत पोछिए प्लीज गेट अप आप घबराइए मत लूसी मेरा दोस्त लेके आता मेरा दोस्त डोंट वरी प्लीज Use this. Ha ha ha. Lucy, darling. Lucy. Thank you. कोई बात नहीं. ये तो मेरा फर्ज था. वैसे आपकी Lucy है बहुत खूबसूरत. जी. Thank you. Madam, ये आपका पर्स. Oh, thank you. और ये मेरा चश्मा. अजी हाँ जी आपका चश्मा भी है थैंक यू अजी इसमें थैंक यू की कौन सी बात है ये तो इस बेचारे का इंसानी फर्ज था बिल्कुल और मैडम अगर आप इजाजत दें तो हम लोग जाएं हमारा काम हो गया मतलब ये है कि आपकी Lucy मिल गया और हमारा काम हो गया सुनिए अगर आपकी Lucy को फिर किसी ने तंग किया तो फिर बंदा हाजिर हो जाए और अगर आपका चश्मा और बटुआ खो गया तो बंदा फिर हाजिर है थैंक यू ओके गुड बाय नमस्ते गुड बाय से सो लॉन्ग मिलेंगे जरूर बाय बेटा अरे दुआ करके इस लड़की को भगवान और उम्र दे और फिर ये दुआ कर कैसे लड़कियों से हमारी हमेशा मुलाकात होती रहे बेटा अब चलो किस्मत आजमाएं कम ऑन It's all blind. एक और
करो क्योंकि बाबू और मत खेलो, सारी रकम यहाँ जमा दोगे तो कल बेटी की शादी कहाँ से करोगे? ये मेरा आखिरी चांस है किशन, अगर बाजी जीत गया तो रूपा की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, अगर हार गए तो ऐसे पर शकुन बात मुंह से न निकाल। ये और चाल, ये और चाल। रन दस्ता गुलाम बेगम। तुझे क्या हुआ है, तू कहाँ जा रहे थे? हीरा ये जगह अच्छी नहीं है। वाह बेटा, यानी तुम इसको अच्छी जगह समझ के आए थे? अरे बाबा ये जुआ खाना है, लोग अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आते हैं, समझे? जिसकी किस्मत अच्छी हुई तो जीत गया और जिसकी किस्मत बुरी हुई तो फ्लैट हो गया। और बेटा तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। मैं अपनी किस्मत आजमा चुका हूँ। मेरे भोले सनम तू न जा, ये तो तू आके चुरा मेरी महफिल में आके, देख ले जरा हाथी मिला के, देख ले मेरे भोले सनम तू न जा, ये तो तू आके चुरा। मेरी महफिल में आके देख ले जरा आंखें मिला के, देख ले सारी दुनिया के गम भूल जा, ये न मुझसे आके चुरा। मेरी महफिल में के देख ले जरा आंखें मिला के, देख ले मेरे भोले जन्म भूल जा, ये न मुझसे तू आके चुरा। मेज पर रखकर नोट निकाली है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि कई बार नोटों के साथ पत्ते भी बदल जाते हैं। शो
9 10 11 पर रनिंग स्लैश है। मैं नहीं, तुम लगाते हो। और इसी तरह उस पुरुष को तुमने लग गया। आज से क्या से तुम माल यकीनी गया। माल निकालो, माल निकालो। चाहिए माल वापस। ये लीजिए, अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से कीजिए और आइंदा यहां मत आइए। ये जगह शरीफों के लिए नहीं है। अच्छा नमस्ते। कुंदन भैया। और गीता से तो आप जानते हैं। हेलो, नमस्ते। तशरीफ रखिए। आप भी कुंदन भैया? कुंदन भैया। ये फूल आपके लिए लाए हैं। स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट। थैंक यू। मालूम होता है असली हीरे लगे हुए हैं। क्या हीरे? रीटा तुम समझी नहीं, ये तुम्हारे फूलों की नहीं हीरों की तारीफ कर रहे हैं। बोलो। हाँ हाँ, ये हीरे असली जड़े हुए हैं। मेरे डैडी शहर के सबसे बड़े जहरी हैं। अच्छा? हाँ जी हाँ, दामोदर दास बनवारी लाल एंस्टन शहर के सबसे बड़े जहरी जरूर होंगे, इसीलिए तो ऐसे ऐसे हीरे इकट्ठे कर रखे हैं उन्होंने। रीटा अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ,
क्यों नहीं क्यों नहीं, मेरे ख्याल में गीता देवी बैठे बैठे बोर हो गई हैं। अजी बैठे बैठे बोर क्या, गीता देवी तो पैदाइशी बोर है। कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो नासिस को इस नाम से भी कर सकते हैं। बात ये है डालू, वो गीता तू ये बोलना क्या बात है? बात ये है मिस्टर रतन कि परसों रीटा की बर्थडे है। अच्छा, हम लोग आपको इनवाइट करने आए हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल इनवाइट करने आए हैं आपको। रियली? आप आएंगे ना? मेरा मतलब है कि डॉक्टर तो क्या, अब आपके यहाँ आने से मुझे मौत भी नहीं रोक सकती। परसों देख लीजिएगा, आपके घर पे आने वाला सबसे पहला मेहमान मैं हूँ। अच्छा, दीचा, हाँ क्या है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। अच्छा रतन जा। नमस्ते। सुनो, मैं जाते हुए डॉक्टर से कह जाऊंगी तुम्हारा खास ख्याल रखे। थैंक यू वेरी वेरी मच मिस्टर, दिस इज रूम नंबर 22। आह 22, थैंक यू। कम इन। हे मिस्टर राइट। सॉरी मैडम, वेरी सॉरी। सॉरी मैडम मिस्टर, नहीं हो सकता। सब्ज परी पीछे काला देव, अरे इस सुंदर सभा में मेरा दोस्त नहीं हो सकता। नर्स क्या है? हाय हाय, नहीं मैम साहब, वो मेरे दोस्त का कमरा नहीं है, तुमने मुझे गलत कमरा बताया है। आई बेग योर पार्डन, दैट इज रूम नंबर 22। आई नो दैट इज रूम नंबर 22, मगर वो मेरे दोस्त का कमरा नहीं है, उसके अंदर से छोकरी निकलता है। डोंट बी सिली, वो तुम्हारा दोस्त का कमरा है, जाके देखो। ओके, इफ यू से आई विल गो। वाह बेटा, मैंने अकबर आजम एक फूल सुहा करते थे और मेरे बर्फदार पूरे गुलदस्ते का गुलदस्ता सूंघ रहे हैं। वाह बेटे। हाँ फरमाइए श्रीमान महामहोपाध्याय श्री रतन कुमार जी, आपकी तबीयत कैसी है? तो हजरत को खबर मिल गई है। हाँ बेटा मिली, और वो गलत हुई। मतलब? मिली थी कि तुम्हें मामूली सी चोट आई और अस्पताल में पड़े हो, मगर ये खबर नहीं मिली थी कि महाराज इंद्र सभा के अखाड़े में विराजमान है। ए रतन, ये क्या चक्कर है बेटा, ये गुलदस्ता और ये लड़की? वो भी शहर के सबसे बड़े जवाबी की बड़ी। ए हीरा, परसों तक मुझे फर्स्ट क्लास सूट चाहिए। सूट कहा गया ना बेटा, औरत के चक्कर में? अमा औरत के चक्कर में नहीं, बिजनेस के चक्कर में। बिजनेस, ए वेरी बिग बिजनेस, लाखोंपति की लड़की है, क्या समझे? प्यारा चेक फ्रॉक कैश हो जाएगा, और इसके लिए क्या चाहिए? एक खूबसूरत सूट और एक कीमती तोहफा। आया ख्याल है शरीफ में? अबे शरीफ को गोली मार, बात ख्याल में आ गई। अरे क्या कह रहा है? अबे तो चेक कैश कराने के लिए क्या लूंगी और कुर्ते में जाएगा? माँ बदलत तेरे ड्रेस का इंतजाम मारता है। नमस्ते जी। रीटा देखो कौन आया है। ये मामूली सा तोहफा तुम्हारे लिए लाया। थैंक यू। लेकिन डाली, तुम भी तो मेरे लिए तोहफे से कम नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? You are looking extremely beautiful. चलो मैं तुम्हें अपनी मम्मी डैडी से मिला। डैडी डैडी रतन, ये डैडी दामोदर दास बनवारी लाल, शहर के सबसे बड़े जौहर। डैडी ये रतन। हाँ सर। और रतन ये है मेरी मम्मी। Impossible. What? Impossible. ये तुम्हारी मम्मी लगती नहीं है, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा इन्हें तुम्हारी बड़ी बहन कहा जा सकता है, ना कि मम्मी। Exactly, that's what people say. Must. So,
सब लोग यही कहते हैं। हेलो डार्लिंग, हेलो, हाउ डू यू, थैंक यू। भैया भाभी किधर है? भाभी यहीं कहीं पे होंगी भाई। चलो रतन। मामी हेलो अंकल जी, कब आए आप अंकल जी? सीधा कश्मीर से चला रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। थैंक यू डार्लिंग। रतन, रतन ये है हमारे अंकल कर्नल सिंह, कश्मीर में रहते हैं। हाँ दीदी सर, हाँ दीदी। वैसे है बड़ा कंजूस, जब भी कश्मीर जाओ होटल में रहना पड़ता है। इज दैट सो अंकल? बात यह है बरफदार के मैं खुद भी होटल में रहता हूँ। देख रहा हूँ तुम्हारे घर में सभी दिलचस्प है। जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, अभी तो तुम उसे मिले ही नहीं। अभी बताती हूँ। वो रही भाभी जी, भाभी जी क्या है? रतन ये है मेरी बिमला भाभी, मिलो ना। हेलो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाथ तो तुमने बहुत पहले छुड़ा लिया। क्या कहा? हा? कह रहा था कि वाकई तुम्हारी भाभी बहुत दिलचस्प नजर आती है। मैं कहती थी ना, चलो चलो भाभी जल्दी जल्दी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nita, happy birthday to you. हमारी बिमला भाभी रीटा की बर्थडे खुशी में एक गीत सुनाएंगे आपको। नहीं रीटा, आज मुझसे नहीं गाया जाएगा। क्या बात है बिमला? कुछ नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द है। डार्लिंग, अगर ये गीत सुनाना नहीं चाहती तो मैं सुनू? तुम? हाँ हाँ, मैं भी कभी किसी को गीत सुनाया करता था। मगर एक शर्त पर। हाँ हाँ, कहो। अगर मेरे गाने पर तुम नाचोगी तो। ओ यस। सच? हाँ चल। तू है भरमाई तो अपना भी यही तोर सही, तू नहीं और सही, तू नहीं और सही, तू नहीं और सही। बड़ी लंबी है जमीन, मिले लाख हसीन। बड़ी लंबी है जमीन, मिले लाख हसीन। सारी दुनिया में खत्म, तू अकेला नहीं। सारी दुनिया में सनम, तू अकेला ही नहीं। जाम आंखों के बहुत है, कहीं एक बार सही, तू नहीं और सही। बेवफा आपने हमें बदनाम दिया, बेवफा आप हुए हमें बदनाम किया। हम हैं बदनाम तो फिर पार से बेपार सही, तू नहीं और सही। Thank you.
चुनिया क्या कमी है ये बता मुझसे तू है दुनिया क्या कमी है ये बता तुझसे उम्मीद वफा बन गई एक खता तुझसे उम्मीद वफा बन गई एक खता प्यार औरों का सलामत है तेरा जोर सही तू नहीं और सही तू नहीं और सही तू नहीं और सही मुझे तू हेलो रतन मैं अभी तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी really? हाँ? मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था अच्छा तो क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में सोच रहा था नमस्ते गीता देवी नमस्ते हाँ, तो क्या सोच रहे थे तुम मेरे बारे में यही के हाँ जब मेरी गाड़ी खराब हो गई तो सोच रहा था कि अगर रीटा होती तो मुझे जरूर लिख मिल जाती ओह यस कहाँ जाना है तुम्हें जहाँ तुम ले चलो चलो ठहरो मैं तेरा अपने दोस्त से मिला लेकिन और फिर मुझे थोड़ा सा काम भी है तुम जाओ मैं बस से चली आऊं अच्छा कहाँ जाते ये गीता कौन है गीता 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 है ये तो मैं भी जानता हूँ मगर गीता तुम्हारी बहन है क्या हाँ यही समझ लो दरअसल गीता के पिता हमारे यहाँ अकाउंटेंट थे अच्छा 10 साल पहले बेचारे मोटर एक्सीडेंट में मर गए तब से गीता हमारे यहाँ रहती है आई सी लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो यही बस सोच रहा था कि तुम दोनों में कितना फर्क है क्या फर्क है हम दोनों में बहुत फर्क बहुत ही फर्क है अच्छा वो खिता की तरह वीरान है और तुम बाहर हो पर बाहर हो तुम्हारी आंखों में वो मस्ती है जो शायद उमर खान को शराब के प्याले में भी नहीं मिली होगी तुम मुस्कुराते हो तो जैसे फूल खिल उठते हैं एक बार फिर मुस्कुराना Thank you.
यू हुजूर मुझसे रह के दूर दूर खेलिए न दिल वो करार से प्यार का जवाब दीजिए प्यार से आपको करार से देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर खेलिए न दिल वो करार से प्यार का जवाब दीजिए प्यार से इतनी बेदुखी हमसे किस लिए दिल दिया है क्या हमने इसलिए इतनी बेरुखी हमसे किस लिए दिल दिया है क्या हमने इसलिए आप तो बना थे बड़े भले बात बात में भले चल दिए कहाँ बात सुनिए मेहरबान बैठिए तो दो घड़ी फरार से प्यार का जवाब दीजिए प्यार से आप क्यों है इतने बेकरार से ऐसे प्यार से कहे कहने दीजिए प्यार के हैं दिन प्यार कीजिए जानिए जनाब कहाँ हमने कहा फूल क्यों लजने लगे प्यार से बाजी आए हम तो ऐसे प्यार से देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर खेलिए न दिल वो करार से प्यार का जवाब दीजिए प्यार से आपकी पसंद सुनिए तो जरा बेकरार दिल कह रहा है क्या आपकी पसंद सुनिए तो जरा बेकरार दिल कह रहा है क्या दिल की बात था एक बार क्या आपसे आप तो नहीं जो दिल की बात थे यकीन तो पूछ लीजिए मौसम बहार से प्यार का जवाब दीजिए प्यार से छोड़िए इतिहास आप तो है इतने बेकरार से बाजी आए हम तो ऐसे प्यार से देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर खेलिए न दिल वो करार से प्यार का जवाब दीजिए प्यार से
गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स बाय 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 भाभी भाभी तुम अभी तक सोई नहीं कहाँ से आ रही हो मैं अरे भाभी ये पूछो कि मैं कहाँ से नहीं आ रही हूँ जमीन आसमान चांद तारे सब लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो अभी अभी कौन था तुम्हारे साथ रीटा रतन रीटा रतन के साथ तुम्हारा यूं घूमना फिरना मुझे मुझे बिल्कुल पसंद मगर मुझे पसंद है तुम्हारी पसंद गलत है उससे दोस्ती करके पछताओगे तुम वो तुम्हें एक दिन जरूर धोखा देगा रतन रतन एक अच्छा आदमी नहीं है रीटा तुम समझ आ गई तुम्हें मेरे किसी भी दोस्त के बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं लेकिन तुम्हारा भला बुरा सोचने का तो हक है मुझे अपना भला बुरा मैं खूब समझती हूँ और फिर रतन के बारे में तुम जानती ही क्या हो कब से जानते चाहे तुम्हारी उसे जो तुम इतने यकीन के साथ उसे बुरा आदमी कह रही हो रीटा मैं उसे अच्छी भाभी मैं नहीं चाहती कि आइंदा रतन के बारे में तुम कोई भी ऐसी बात करो समझी नाचीज बंदा अपने रीटा डार्लिंग की खिदमत में आदाब पेश करता है डार्लिंग तू तुम्हारा गुलाम सुनो तुम इतनी जल्दी अभी पहुंच गए और खाना वाना खा के बिस्तर और लेट भी गया हूं मगर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस ठंड के मौसम में मलिका मौजमा का पारा क्यों चढ़ा हुआ है झगड़ा हो गया मेरा भाभी से क्यों उसे हम दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जाने तुमसे क्यों चिढ़ती है चिढ़ती नहीं डार्लिंग डरती है डरती है क्यों इस बात से कि कहीं उसकी प्यारी ननन मुझसे प्यार ना कर बैठे बैड बॉय रतन तुम मुझे बहुत तंग करते हो और तुम भी तो मुझे कुछ कम तंग नहीं करती हो डार्लिंग मैं तुम्हें कब तंग करती हूँ जब तुम पास नहीं होती हो जब कोई मेरे पास नहीं अरे भाई साहब पांच मिनट हो गए जल्दी मेरा दोस्त है अच्छा डार्लिंग गुड नाइट ओके डार्लिंग गुड नाइट मैं समझा तुम मेरी आ गई इसलिए कि तुम्हारी भाभी का तुम्हारे मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता ओह शट अप कौन परवाह करता है उसकी सच रियली हाँ मेरी कसम तुम्हारी कसम डार्लिंग बेटा बेटा मैं एक बात सोचा क्या सोच रही थी ये सोचा था कि कुछ दिनों के लिए हम क्यों ना बंबई से बाहर चले चले मेरा मतलब यह है कि ऐसी जगह हो जहां मैं रोकने वाला कोई ना हो जहां तुमसे ये कोई ना पूछे कि रात के 12 बजे तुम कहां से आई हो चलो कि ना कहां चले कश्मीर नहीं नहीं इतनी तो नहीं महाबलेश्वर महाबलेश्वर डार्लिंग तुम ये क्यों नहीं समझती हो तुम्हारे होते हुए महाबलेश्वर भी कश्मीर ही बन जाएगा जब तुम कहो कल हाँ हाँ कल ही चलेंगे मैं 2 बजे ठीक लेक के पास पहुंचाऊंगा गुड वेरी गुड जो कुछ भी हो खुदा की कसम गोल्ड फ्लैग दो एक पैकेट गोल्ड फ्लैग दीजिए ये पैकेट रहा गोल्ड फ्लैग का वेरी गुड 89 पैसा मतलब ये मेरा है कि वो पर्स में घर पे मतलब ये कि पर्स साथ ले आया हूँ पैसा घर भुलाया हूँ सिर्फ 10 नया पैसा है
एक चमकता हुआ पैकेट चार मीनार का बरफदार। चार मीनार का तेरा पैसा। दस नए पैसे में जितने भी चार मीनार आए दे दो। आधा पैकेट तो आ जाएगा। एक गोल्ड फ्लैट। खुदा ये पैकेट तू रख दे अंदर और एक टीम गोल्ड फ्लैग का निकाल कर रख। मैं अब भी आया। मैंने कहा हुजूर, मैंने कहा है सूट वाले नौजवान माफ कीजिएगा, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी आप ही से कह रहा था। वो दरअसल क्या है कि मेरे पास घड़ी नहीं है। आपकी घड़ी में कितना बजा होगा? इस वक्त चार बजे हैं। चार? ओहो चार बज गए, वेरी गुड। मैंने कहा भाई साहब जरा सुनिए हुजूर, जरा सुनिए, ये रास्ता कहीं पाली हिल को तो नहीं जाता? जी नहीं, ये रास्ता पाली हिल को नहीं जाता, ये बैंड स्टैंड को जाता है। वेरी गुड। और हाँ जरा सुनिएगा एक बड़ी जरूरी बात, वो तो मैं भूल ही गया हुजूर। वो क्या? बहुत प्राइवेट है। क्या आपने यहाँ नजदीक में कोई पुलिस वाला तो नहीं देखा? जी नहीं, माफ कीजिएगा, ये शरीफों का मोहल्ला, इधर पुलिस वाले नहीं आते। नहीं आते? आपको यकीन है कि नहीं आते? बिल्कुल बिल्कुल एकदम यकीन है। बताइए। अरे वाह कितने अच्छे आदमी हैं आप। यहाँ तशरीफ लाइए हुजूर, और जो कुछ आपकी पॉकेट में है जल्दी निकालो। अगर नहीं निकाला ना तो गोली सीने के पार हो जाएगी, कह देता हूँ। तुम कहते हो हुजूर, जरूर निकालो। अरे मेरे नौजवान, निकालो निकालो। हाँ ये बात हुई ना। थैंक यू। अरे मुझ शरीफ आदमी को पकड़ लिया, इस बुद्धे को पकड़िए। संभालिए संभालिए, इसको पकड़िए, ये बहुत बड़ा चोर है। इसने पिस्तौल दिखाई मुझे, वहां ले जाकर मुझे धकेल कर यूं कर दिया, और ये मेरे पैसे मारना चाहता था। ये बहुत बड़ा शैतान है ये नौजवान। मेरा मतलब है बुड्ढा। मेरा नाम मिस्टर बुड्ढा नहीं है, मेरा नाम है सीआईडी इंस्पेक्टर शाह। मिस्टर हीरा, मैं आपको खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ। बंद कर दो बदमाश को हवालात में। कोई बात नहीं है, यहाँ तो आदत पड़ गई है हुजूर। अरे बेबी, बेबी, मिस हीरा, मिस्टर हीरा, तुम ये लोग के साथ किधर जाता है? ओके बेबी, यस, इन लोग का साथ, बड़ा घर। ओह माय गॉड, बड़ा घर, तब हमको काहे को बुलाते? जल्दी बोलो नहीं तो हम रन करेगा, रन करेगा। ओह माय स्वीट बेबी, एक मेरा थोड़ा सा काम कर दे बस। जरा गुलाम अली चाल में जाके रतन से कह दे कि हीरा उसका पकड़ा गया, अरे थाने में है, आके जमानत दे जाए, बस इतना, ओनली दिस मच। यस यस, हम बोल देंगे, पर अभी तो तुम जाओ, हमको डर लगता है, हम रन करते हैं। बाबा तुम जाओ, जल्दी जाओ। ओह माय गॉड, चलो जाओ। कहाँ मेम साहब? गुलाम अली की जान। गीता देवी, आप यहाँ? मैं अपनी एक सहेली से मिलने आई थी। अच्छा, और आप? जी मैं तो ये मैंने मतलब शायद शायद आप अपने किसी दोस्त से मिलने आए। जी हाँ जी, नहीं दरअसल बात ये है कि ये सारी जगह मैंने खरीद ली है, और ये जो टूटे फूटे मकान दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी जगह मैं एक बहुत बढ़िया आलिशान नई चाल बनाने वाला हूँ। नई चाल मुबारक हो। जी मेरा मतलब है आप जो नई चाल बनवा रहे हैं वो आपको मुबारक हो। शुक्रिया। माफ कीजिएगा मेरी अंगूठी का एक हीरा खो गया था, पकड़ा गया। बस वो पॉकेट मारते हुए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, देखिए ना कि जैसे भी अजीब चोर है, जेब चुराते हुए हीरा तो निकाल लिया मगर अंगूठी रह गई जेब में। बट वो थाने में है हीरा, थाने। चुप है, खोई हुई चीज थाने में नहीं होगी तो क्या अस्पताल में होगी? तू जा, चल 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 जाता अजीब बेवकूफ है। जी हाँ बिल्कुल बेवकूफ है, अगर अकलमंद होती तो इशारा समझ जाती। जी मेरा मतलब है आपको खामखा परेशान कर रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा नमस्ते नमस्ते। हीरा, हीरा,
बेटियां पहुंच गया। कई बार तुझे कहा कि ये बिजनेस करना छोड़ दे। अरे बाबा, एक साहब की जेब साफ करने गया तो वो निकले सीआईडी के। अभी पॉकेट में हाथ भी नहीं गया था कि हाथ में हथकड़ी आ गई और हम यहाँ आ गए। ये तो बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ यार। आज तो मुझे पहाड़ पर जाना है जी। बाबा बाबा, यानी दोस्त हो तो ऐसा हो कि हम यहाँ लॉकअप में सड़ रहे और आप पहाड़ पर तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या करूँ, वो चली भी गई होगी। वो चली गई होगी क्या मतलब? हाँ। किसी लड़की के साथ जाने का प्रोग्राम? अरे नहीं नहीं नहीं, लड़की नहीं, बिजनेस बिजनेस। बस 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 बस, तू बिजनेस का नाम मेरे सामने मत लिया कर। जब से बंबई आया है ना, बिजनेस बिजनेस की रट लगा रखी है। मगर मजा है कभी अपने बिजनेस की कमाई से दो आने की भेल भी खिलाई हो। मेरी बात तो सुन। एकदम नहीं सुना तेरी बात। तू चीट है, तू धोखेबाज है, तू ब्लफ है। क्यों आहिस्ता बोले? बिजनेस के नाम पर सूट सिलवाते हो, किराए की मोटर रखते हो, होटलों में घूमते हो, लड़की को प्रेजेंट देते हो। किसकी कमाई पर? मेरी कमाई तो ना। और आज हम यहाँ सा रहे हैं और आप लड़की के साथ पहाड़ पर जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? शेम आने। तुम मुझे गलत समझे हो हीरा। आज के अगर मैं लॉकअप में रहा तो मांगने की नौबत भी नहीं आएगी। और तुम तो इस लायक हो नहीं कि मेरी जमानत कर सको। बात है, मैं जाने से पहले यह साबित कर जाऊंगा कि मैं किस काबिल हूं। गुड इवनिंग। ये क्या कर रहे हो तुम? रीटा से मिलने आए हो? वो यहाँ नहीं है। आई नो दैट। मैं रीटा से नहीं, बिमला से मिलने आया। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। अब मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा मेरा बहुत पुराना संबंध है डियर, इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। याद है वो दिन? भूल जाओ उन दिनों को, भूल जाओ उस बिमला को जिसे तुम प्यार करते थे। समझ लो वो तुम्हारे लिए मर चुकी है। नहीं, नेवर। बल्कि एक अमीर आदमी से शादी करके उसने एक नई जिंदगी हासिल कर ली, और आज आज मैं उससे हिसाब मांगने आया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। सचमुच तुम बहुत भोली हो। शायद ये भी भूल गई कि कभी हम दोनों दुख सुख के पार्टनर भी थे। रतन, मगर तुम बेवफा निकली। दुनिया के तमाम दुख मुझे दे दिए और खुद सारे सुख अपने दामन में समेट कर चली आई। बिमला, मोहब्बत की इस तजारत में तुमने क्या कुछ नहीं पाया? यह आलिशान महल, फर्नीचर, गाड़ियां, कीमती जेवरात। मगर तुमने कभी यह भी सोचा है कि इन सब की कीमत तुमने एक इंसान की जिंदगी से दी है जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लूटा दिया? मुझे एक उनसे मिलने का कोई शौक नहीं। मैं तो सिर्फ एक काम से आया हूं तुम्हारे पास। मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। घबराओ नहीं, सिर्फ उधार है, जल्दी लौटा दूंगा। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि तुम ये रुपए लेकर रीटा के पीछे जाने वाले हो और मैं तुम्हें उसकी जिंदगी नहीं खराब करने दूंगी। हाँ हाँ, जिंदगी खराब करना तो मेरी आदत ही है। मैंने तुम्हारी भी तो जिंदगी खराब कर दी थी। मैं अपनी बात नहीं कर रही, लेकिन ये बताओ, क्या तुम वाकई रीटा से प्यार करते हो? इससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। बिमला, क्या वाकई तुम अपने पतिदेव से प्यार करती हो? जवाब क्यों नहीं देती? तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, अपने आराम से प्यार करती हो, इंसान से नहीं। तुम्हारे इन आंसुओं को मैं कई बार देख चुका हूं बिमला, अब इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। पहुंच डालो इन्हें। आज रतन को इन आंसुओं की नहीं, रुपयों की जरूरत है। जरा जल्दी करो बिमला, कहीं तुम्हारे पतिदेव तुम्हें मेरे साथ अकेला देखकर कुछ और न समझे। Thank you.
मुझे तो पानी से डर लगता है। चलो ना गीता, तुम जाओ, मैं यहीं बैठूंगी। अच्छा तो फिर मैं एक रोल लगाकर अभी आती हूँ। जी हाँ, मुंबई में बहुत गर्मी पड़ी है ना, इसलिए यहाँ चला आया। आप यहाँ? जी हाँ, मुंबई में गर्मी बहुत पड़ी है ना, इसलिए यहाँ चली आई। आप अकेली आई हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल अकेली। आपकी वो चाल का क्या हुआ? कैसी चाल? वो आपकी नई चाल। कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द बन जाएगी। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए, क्या पियेंगे आप? हॉट कॉफी? जी। क्यों हॉट कॉफी? तीन हॉट कॉफी। ये तीसरा आदमी कौन? जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। जी जी, वो देखिए। हेलो सर। हेलो डार्लिंग रीटा। हेलो रीटा, चलो वोटिंग करें। हाँ हाँ चलो, चलो। आप नहीं चलेंगे गीता देवी? जी नहीं, मुझे रिहर्सल से जाना है। रिहर्सल? जी हाँ, कभी कभी मैं भी नाटक कर लेती हूँ। नाटक? आज शाम को चैरिटी शो में मेरा प्रोग्राम है। ऐसे ही? आप आएंगे ना? जी हाँ, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। देखिए, मेरा ख्याल है आपको नाटक बहुत ही पसंद आएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलो दीवाना हूँ मैं प्यार का, समा है इतरार का, इशारा तेरा पाऊं तो तुझ पे लेता हूँ खजाना ये बहार का। सनम तेरे प्यार का, सुबह में इतरार का,
मोहब्बत है सहारा, ये दिल है हमारा, बस एक दीदार था, दीवाना हूँ मैं प्यार का। हम गरीबों का क्या हो तू अगर नजरें फेरे, हम गरीबों का क्या हो तू अगर नजरें फेरे, तू जो आते ही पीछे तो एक सारे पर तेरे, मजे में झूम के मिल भूल है दिल गम इंतजार का, सनम तेरे प्यार का, सुहाने इकरार का, बहुत है सहारा ये दिल है मारा, बस एक दीदार का, दीवाना हूँ प्यार का। कुछ निशानी भी दे दे, तुम ही हो जग हमारे, मैं प्यार गहना सिंगार, दीवाना मैं प्यार का, समा है इकरार का, इशारा तेरा पाऊं तो तुझ पे लिताऊं, खजाना ये बहार का, सनम तेरे प्यार का, बहुत है सहारा ये दिल है हमारा, बस एक दीदार का। बात पूछ सकता हूँ? अगर गीता तुम्हारे साथ ना आती, मेरा मतलब यह है कि अगर तुम अकेली आती तो कितना अच्छा होता। क्यों, गीता का आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये बात नहीं, लेकिन शायद उसे तुम्हारा मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता।
मुझ से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। देखता हूँ तुम्हारे घर में सभी उसे डरते, मेरे ख्याल में तुम भी। मैं किसी से नहीं डरती। ये भी देख लेंगे, शायद आज ही वो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए मना करते। अगर उसने ऐसा किया तो मैं। तुम यहाँ आओ, आओ ना। रीता, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं, वो तो नहीं। रतन के साथ घूमने आई थी। रात के 2 बजे? रीता, इतनी रात के किसी भी रन के साथ बाहर रहना अच्छे घराने की लड़कियों को शोभा नहीं देता। रतन कोई गैर आदमी नहीं है। आई लव हिम, क्यों डाले? ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुमको नहीं मालूम रीता, तुम कुछ भी नहीं समझ। मैं समझती हूँ, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं, और मैं नहीं चाहती कि आइंदा तुम मेरे किसी भी बात में दखल दो। मेरे यहाँ रहते ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है क्योंकि तुम मेरे साथ आई हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आई गीता, तुम मेरे साथ आई हो। रतन ठीक ही कहता था, मुझे यहाँ अकेले आना चाहिए था। इंसानी फर्ज क्या होता है? तुम मुझे इतना बुरा आदमी समझती हो? अच्छाई और बुराई का पैमाना इंसान की बातें नहीं, कर्म होते हैं। तो क्या तुम्हें बचाकर मैंने कोई बुरा काम किया? शायद तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हो। क्यों? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा हूं। कुछ कांटे ऐसे भी होते हैं जिनकी खलिश इतनी मीठी होती है कि उन्हें तोड़ने को जी नहीं चाहता। हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। डार्लिंग। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। रीटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं।
अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे भूल जाओ तो? व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं रीटा, मुझे भूल जाओ। नो, क्यों बिचली रतन, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ रतन। हमारी शादी नहीं हो सकती रीटा। पर क्यों? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ डार्लिंग, मगर कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि। कैसी मजबूरियां? क्या बताऊं डार्लिंग, कुछ दिन पहले मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, बस यूं समझ लो कि दिवाला ही निकल गया। मैं आज एक बहुत गरीब आदमी हूं टीटा, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे डैडी तुम्हें ये इजाजत नहीं देंगे कि तुम्हारी शादी मुझ जैसे गरीब आदमी से। रतन, तुम फिक्र मत करो, मैं डैडी को कैसे भी मना लूंगी। अगर तुम्हारे डैडी मान भी गए तो भी मैं सोचता हूँ कि मुझ जैसे गरीब के साथ रह के तुम खुश रह सको। इससे बेहतर यह है रीटा कि तुम मुझे भूल जाओ। गुड बाय रीटा। रतन, 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 नहीं रतन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती रतन। मगर रीटा, इसके सिवा हमारा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। है। क्या? मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी, अपने सारे सेवर और कैश लेकर। तुम मुझे अपने साथ ले चलो रतन, ले चलोगे ना? ले चलूंगा, जरूर ले चलूंगा रतन। डार्लिंग, तुम रात के 12 बजे एक बुरे आदमी के कमरे में आते फिर तुम्हें डर नहीं लगा? मुझे अपने आप पे विश्वास है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहां आने की वजह पूछ सकता हूं? मैं किसी की जिंदगी और इज्जत की भीख मांगने आई हूं। मैं समझा नहीं। तुम अच्छी तरह समझते हो कि मैं रीटा की बात कर रही हूं। हो, तुम रीटा की बात कर रही हो? क्यों, तुम्हें यह पसंद नहीं कि मैं और रीटा जिंदगी भर के लिए एक हो जाए? अगर तुम्हारे दिल में भी यही होता तो मुझे बेहद पसंद था, मगर मैं जानती हूं कि तुम उससे प्यार नहीं करते, प्यार का सिर्फ नाटक रच रहे हो। और मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं, तुम्हारे दोस्त की कोई फर्म नहीं। जिस दिन हम लोग यहां आए हैं मैंने खुद उसे पुलिस की हिरासत में देखा है। और मैं ये जानती हूं कि एक दिन तुम रीटा को अपनी गुर्बत का एहसास दिलाओगे, अपनी मोहब्बत का वास्ता दोगे, और वो बेवकूफ लड़की अपना सब कुछ लेकर तुम्हारे साथ भाग जाएगी। और फिर अगर इसी बात को तुम समझती हो तो जाकर अपनी सहेली से कह क्यों नहीं देती कि रतन झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, प्यार का नाटक रचता है। वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। जाओ, जाओ, जाकर कह दे उसे। उससे कहना होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? उसे तुम्हारे झूठे प्यार ने पागल बना दिया है, वो कुछ नहीं समझेगी, कुछ नहीं समझेगी वो। अच्छा, इसलिए तुम मुझे समझाने आई हो? मैं तुमसे भीख मांगने आई हूं रतन। भीख? जो खुद एक भिखारी हो, जो दौलत के लालच में एक अमीर लड़की को घर से भगाना चाहता हो, वो किसी को क्या दे सकता है? तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। जाओ, बहुत रात हो गई। जाने से पहले एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी बहन होती रीटा और तुम्हारी तरह कोई लड़का उसे अपनी झूठी मोहब्बत का वास्ता देकर घर से भगा ले जाता। खामोश। चली जाओ यहां से, भगवान के लिए चली जाओ यहां से।
रतन, मैं भी रीटा को अपनी बहन समझती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? कहीं निकले? कहीं नहीं, वो तो जरा रतन के साथ पिकनिक पर जा रही थी। हाँ, तुम्हें चलो ना, चलो। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो चले चलती हूँ। क्यों? मेरा जमना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर आप चलो चलो। अरे आओ। हाँ चलो। अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है। मुझे? हाँ तुम्हें बुखार हो रहा है, चलो। अरे नहीं बाबा, पंसद तुम गिर गई थी ना। अच्छी खाली हो गई थी। ओहो ले जाओ। अरे कुछ नहीं, मेरे दादा ने मना किया था। ओहो किधर? जल्दी में एड्रेस तो नहीं दिया, लेकिन बंबई चला गया। तुम्हारा मतलब है बिल्कुल हमारा यही मतलब है मैम साहब, और जाकर सबको इतना नोटिस दे गया। इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। तुमने जाने क्यों दिया? तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं? ये होटल है मैम साहब, कोई जेलखाना नहीं, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं। ओह यू शट अप। अबे बाहर के कमरे में कौन है बे? अरे तेरी ओ माय डार्लिंग हीरो, बिजनेस से वापस आ गया ला, मैं कोर्ट रख लूं। इसका मतलब यह है कि लड़का बिजनेस में होशियार हो गया है। जरा माल ढीला कर बेटे। माल? हाँ पेटी में, कोई बात नहीं, मैं पेट लेता हूँ। अच्छा जी, मतलब ये है कि वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। जरा निकाले, जैसे निकाल। परेशान, मेरे पास माल नहीं है। वाह बेटा, मेरे पास माल नहीं है तो ये जो नई चप्पल खरीदी है इसके पैसे कौन भरेगा? ओ इसका मतलब यह है कि कुछ गोलमाल हो गया है। कोई बात नहीं, फिक्र करने की कौन सी बात है, बिजनेस में तो ये होटल है, कभी ना हम तो कभी कर हम, आज नहीं तो माल कल आ जाएगा। अब माल नहीं आएगा। माल माल नहीं आएगा? अरे ये सुन तो सही, मगर गुस्सा क्यों? रीटा आ रही है, मेरे बारे में पूछेगी तो कहते ना मैं घर पर नहीं। अबे 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 मगर सुन, अबे अरे सुन, अरे बाबा बेरर से प्लीज, अबे फटाक से बेच हो जाएगी। अबे आई हुई लक्ष्मी को घर से क्यों वापस भेजता है? ठहरिया ना, मैं घर पर नहीं हूँ। तू घर पे है? ओहो मैं घर पर नहीं हूँ। तू है घर पे तो छोड़। हाँ छोड़ूंगा, तू भाग जाएगा। नहीं छोड़ूंगा। मैं रतन से मिलना चाहती हूँ। ओ आप श्रीमती रीटा देवी, आप रतन से मिलना चाहती हैं, ये तो ठीक है, मगर अगर आप मेरी बात माने तो रतन को भूल जाइए। क्या मतलब? मतलब अरे साहब, इतना आवारा हो गया है वो लड़का कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी अगले हफ्ते एक लड़की को लेकर पहाड़ पर। शट अप, मैं हूँ वो लड़की। आप अगर वो लड़की हैं तो फिर तो वो बड़ा ही शरीफ लड़का है, बड़ा ही नेक है हमारा रतन, मगर वह इस वक्त घर पे नहीं है। इस वक्त घर पे नहीं है? ओ तो इसमें मायूस होने की कौन सी बात है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तुम मेरी कुछ खिदमत नहीं कर सकते। सुनो जी, फरमाइए। तुम बता सकते हो रतन कब मिलेगा? वो तो बहुत आसान है, आजकल वो दिन भर काम करते हैं और रात भर आराम करते हैं, मेरा मतलब है कि रात को मिल सकते हैं। तो ठीक है, मैं रात को फिर आ रही हूँ। वेरी गुड, जरूर तशरीफ लाइए, मैं आपका इंतजार करूंगा।
सलाम मैम साहब, रतन घर पर नहीं है। अच्छा, तुमने तो कहा था कि रात को मिलते हैं। हाँ, तो मैंने कहा था कि रात को मिलते हैं, मगर वो रात को नाइट ड्यूटी पर चले गए हैं, इसमें मेरा क्या? मैं जानती हूँ कि जान बुझ के मुझसे नहीं मिलना चाहता। राइट। अच्छा, अगर ऐसा है तो आए सही सही, मैं भी उससे नहीं मिलूंगी। आई डैम केयर फॉर हिम। मगर मैं मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि तुम इस तरह वहां से नाराज होकर क्यों चले आए। आखिर ऐसी कौन सी बात कहती थी मैंने तुमसे? मैं तुम्हारे घर कई बार आई, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने मुझे हमेशा डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। तुम्हें क्या हो गया है डार्लिंग? तुम कितने बदल गए हो? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि गीता ने तो तुमसे कुछ नहीं कह दिया? शादी इसी हफ्ते तय करती है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं रात को ठीक 2 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम मुझे भी नहीं ले गए तो मैं सच कहती हूँ अपनी जान दे दूंगी। ये मुस्कुराहट और ये हाथ में खत, कोई खास बात लिखी है क्या? उसकी शादी हो रही है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। और लिखती है कि कल रात को वो अपने तमाम जेवरात और घर का सारा कैश लेकर मेरे साथ भाग जाने को तैयार है। वेरी गुड, जल्दी भगा ले, भगा ले। नहीं दा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। अबे पागल तो नहीं हो गया है? मैं कहता हूँ कल के भगाते आज भगा ले, सुनहरी मौका जिंदगी भर हाथ नहीं आएगा। नहीं नहीं हीरा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं हो सकता। मैं उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। तू तो समझता क्यों नहीं, मैंने किसी को वचन दिया है। अभी समझे यार, वचन एक बात सुनेगा मेरी? देख मैं एक बात बताता हूँ, बस इतना कर दे तू कि थोड़ी देर के लिए अपना वचन वापस ले ले। एक हाथ मार ले मेरे यार, उसके बाद जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे। घबरा नहीं हीरा, जिंदगी भर के सारे दुख अब भी कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे यार, तू तो मैंने वचन सिर्फ उसकी जिंदगी खराब नहीं करने का दिया था, बिजनेस का नहीं। और अब मैं बिजनेस करूं।
बेशर मायरी दुनिया मन ही मन लुटायरी दुनिया छुप छुप बेशर मायरी दुनिया कभी है बहाने के कोई है ठिकाने कभी मन के प्यार के साथ दिया मन ही मन लुटायरी दुनिया छुप कैसी आँख दिखायरी दुनिया रतन, how are you? Hello, darling, कुंदन भैया। कहाँ रहे इतने दिन आप? जरा बिजनेस के चक्कर में उलझा हुआ। Oh, I see. Congratulations, यानी कि शादी मुबारक। नमस्ते गीता देवी। डार्लिंग, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दो लड़कियों की अकल वो घास चरने चली गई है। इन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि घर आए हुए मेहमान के साथ किस माटी का बिहेव कर रहे हैं। नॉनसेंस। बात ये है कि शादी के मौके पे लड़कियाँ यूं भी तो घबराई सी रहती हैं। पॉसिबल, शायद यही बात है कुंदन भैया। लेकिन मैंने कुछ लड़कियाँ ऐसी भी देखी है जो शादी के बाद भी घबराई सी रहती है। क्यों मिसेस अग्रवाल, आपने भी क्या? जी जी नहीं। बिमला, सरप्राइजिंग, एक्सट्रीमली। बिमला, हाउ इंसल्टिंग, तुम भी उन छोकरी लोग की तरह बिहेव करता है। मैं उनसे इन्हें जाने दीजिए कुंदन भैया, शायद ये भी किसी बात से घबरा रही है। मैं किस बात से घबराने लगी? शायद इस बात से कि मैं, मेरा मतलब यह है कि बिन बुलाए मेहमान आपके इंतजाम में कहीं कुछ गड़बड़ न कर दो। कैसी बातें करते हैं मिस्टर रतन, ये तो आपका ही घर है, क्यों डालें? क्यों मिसेज अग्रवाल जी, क्या? शुक्रिया, थैंक यू।
हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि कल यानी कि रीटा की शादी तक मैं भी क्यों ना इस घर में मेहमान बन के रह जाऊँ। वेरी मच डार्लिंग, डार्लिंग तुम ऐसा करो ऊपर जाके इनके लिए गेस्ट हाउस सॉरी गेस्ट रूम खोल दो। कम ऑन, हरी अप, कम ऑन, कम ऑन, जी गुड गर्ल। अच्छा ले आओ वन गुड्डा। गीता अब रतन यहाँ क्यों आया है, आखिर वो चाहता क्या है? अरे पगली तू तो कहाँ परेशान हो रही है, जा जाके आराम कर, कल तेरी शादी है ना, जा। नहीं गीता आज उसके यहाँ आने में जरूर कोई मतलब है, नहीं वो, नहीं वो। रीटा मैं रतन को जानती हूँ, वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे, तो फिर वो यहाँ क्यों आया है, है? क्यों आया है? अच्छा गीता गुड नाइट, गुड नाइट। आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। आई हेट यू। मैं सूरत दिखाने नहीं बिजनेस करने आया हूँ मैडम रीटा। बिजनेस मैं नहीं मेरे डैडी करते हैं। लेकिन जो सौदा मेरे पास है उसकी खरीदार सिर्फ तुम। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। ये भी नहीं तो हूँ मैं तुम्हारे खत लव लेटर्स जिनमें तुमने बार बार लिखा है डार्लिंग मैं अपना सब कुछ लेकर तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूं। और जानते हो अगर यह खत मैं तुम्हारे होने वाले पतिदेव के सामने रख दूं तो क्या नतीजा होगा? ये खत तो मैं तुम्हारे ही लिए लाया हूं डार्लिंग, लेकिन इनकी कीमत है सिर्फ 50,000 रुपए। अगर आज रात के 2 बजे तक मुझे 50,000 रुपए न मिले तो कल ये खत तुम्हारे होने वाले पतिदेव के हाथ में होंगे। मैं रात के ठीक 2 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा बगीचे। गुड नाइट। गीता चेहरे पर रतन को देखकर मेरे खत ले आओ। कहां से लाई हो इतने रुपए? मैं पूछती हूं कहां से लाई हो इतने रुपए? रीटा तुमने बहुत बुरा किया, फौरन जाके ये रुपए तिजोरी में वापस रखाओ। नहीं गीता नहीं, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है और शादी के हंगामे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। गीता रीटा ये अच्छी बात नहीं है। रीटा मैं ये रुपए लेकर नहीं जाऊंगी। अच्छी बात है तो तुम भी मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहती हो? Thank you.
तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारी आंखों में खुशी की उस चमक को देखने जो तुम्हें काली कमाई का पैसा मिलने पर होगी। समझा, तो तुम खत खरीदने आई थी? खत नहीं बच्चन, जो तुमने एक दफा मुझे दिया था, जिसके लिए मैं तुमसे एक दिन भीख मांगने आई थी, और आज आज मैं तुमसे वही वचन खरीदने आई हूँ। मैंने तुम्हें दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। अगर तोड़ता तो रीटा कब की मेरे साथ अपने सारे जेवरात और कैश लेकर भाग गई। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और अब मैं बिजनेस करने आया, और मैं नहीं चाहता गीता कि तुम मेरे बिजनेस के बीच में आ जाओ। आज मुझे रुपए चाहिए, अपनी जिंदगी की कीमत चाहिए, उस जिंदगी की कीमत जो एक औरत की वजह से तबाह हो गई। और इसीलिए तुम हर औरत से बदला लेना चाहते हो? रतन, फिर मत भूलो कि तुमको भी जन्म देने वाली एक औरत थी। बस बस, मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दुनिया में मेरे लिए रुपए सब कुछ है, सब कुछ है। 10 रुपए। अगर तुम्हारे लिए रुपया ही सब कुछ है, से 500 की बात होती तो मैं खामोश रह जाता, मगर बात 50,000 की है, और यह मामूली रकम नहीं जो मैं चुप रह सकूं। मैं यह भी जानता हूं कि घर के किसी भेदी का काम है। खानदान के किसी आदमी को चोरी करने की जरूरत नहीं, नौकर सभी भरोसे के हैं। रह गए मेहमान, तो घर आए मेहमान के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। कमाल करते हो डार्लिंग, चोरी अगर घर के किसी आदमी ने नहीं की, नौकर या मेहमानों में से किसी ने नहीं की, तो क्या रुपयों को तिजोरी चाट गई? यही तो मैं भी पूछता हूं कि चोरी की किसने, किसने चोरी की? यू आर अ फूल डार्लिंग, जिसने चोरी की है बताने के लिए नहीं की, पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो? आज अगर मेरी बेटी की शादी न होती तो पुलिस कब की आ चुकी होती? जरा सोचो तो, कोई शरीफ आदमी भी गवारा करेगा कि शादी के दिन घर में आए हुए मेहमानों की तलाशी हो? लोग क्या कहेंगे? पुश्तों से बनी हुई खानदान की इज्जत का क्या होगा? जिस घर के मेहमान या अपने ही लोग चोर हों तो समझाने वाले उस घराने की लड़की के बारे में क्या राय कायम करेंगे? क्या इज्जत रहेगी हमारी बच्ची की उनकी नजर में? तुम ठीक कह रहे हो डार्लिंग, लेकिन इस जमाने में इज्जत की कीमत 50,000 रुपए बहुत है। और ये भी तो कोई जरूरी नहीं कि चोरी किसी मेहमान ने ही की हो। क्या सोच रहे हो, कानून की नजर में चोरी करना ही जुर्म नहीं, चोरी छुपाना भी। तुम ठीक ही कहती हो, मैं भी पुलिस को इत्तला करता हूं। डैडी, चोरी मैंने की है। ये क्या कह रही हो? हाँ डैडी, चोरी मैंने की है। मगर तुम्हें चोरी करने की जरूरत क्या थी? तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग कर ले सकती थी। आज तक इस घर में तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की गई जो आज तुम्हें चोरी करने की जरूरत महसूस हो? बोलो बोलो, क्यों की है चोरी की?
क्यों की है चोरी तुमने? बोलती क्यों नहीं? मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती बेटी। अच्छा, अगर तुम ये नहीं बता सकती हो कि चोरी क्यों की है, तो ये तो बता सकती हो कि रुपए कहाँ है और किसको दिए हैं तुमने। बोलती क्यों नहीं है गीता, किसको रुपए दिए हैं तुमने? खबरदार जो मुझे डैडी कहा। नमक हराम, क्या यही सिला देना था तुम्हें हमारी मेहरबानियों का? क्या इसी दिन के लिए हम तुम्हें यतीमी और गरीबी के माहौल से उठाकर इस महल में लाए थे कि आज तो हमारी इकलौती बेटी की शादी के दिन ये गुल खिलाओ? बोल कैसे दिए रुपए तूने? मैं नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझसे कुछ मत पूछिए। लेकिन मैं तुझसे पूछ कही रहूंगी, बता रुपए कहां। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है गीता, बता दो रुपए कहां है, किस बात, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अच्छी बात, अगर नहीं बताना चाहती तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा और वो तुमसे पूछ लेगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। चोरी गीता ने ली, मैंने की। तुमने? ये है आपके रुपए, मैं ऊपर कमरे में हूं, आप चाहें तो पुलिस को बुला सकते हैं। मेरी जान बचाई थी, आज मेरी इज्जत, ये क्यों रतन, क्यों? इसलिए कि शायद खुद भी नहीं जानता। हाँ, इतना जानता हूं कि मैं किसी से बदला लेना चाहता था, औरत जात से बदला लेना चाहता था। आज तक मैं दुनिया की हर औरत को बेवफा, धोखेबाज और छलावा समझता रहा, मगर तुमने मेरे दिमाग में बसे हुए औरत के तस्वीर को बदल डाला। सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में तुम जैसी औरत भी है जो किसी के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। रतन, गीता, तुम मुझे पहले क्यों ना मिल गई? अगर तुम पहले मिल जाती तो
तो शायद मैं भी एक शरीफ आदमी होता, एक अच्छा आदमी होता। शायद तुम्हें मुझसे कोई नफरत ना होती। गीता, अब मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूं गीता, दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि जहां से मेरा मनोर साहब भी तुम तक न पहुंच सके। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिंदगी के रास्ते बदल दूंगा। हो सकता है कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरे कदम डगमगा जाए, शायद मैं अकेला अपनी मंजिल तक पहुंच भी न सकूं, मगर फिर भी मैं दरवाजे के बाहर कदम रखा तो समझ लो कि दरवाजा हमेशा के लिए तुम बंद। फिर भी मैं आपके एहसानों को याद रखूंगी। बड़ी दुनिया में अकेले आदमी के कदम अक्सर डगमगा जाते हैं, और अगर तुम हो तो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और मंजिल करीब आ जाती है। तेरा हाथ हाथ में आ गया के चराग राह में जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिल, वो हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया